बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 21 एंड द टॉपिक नेम इज बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर, जो नेचर की बेसिक फोर्सेज हैं, वो दरअसल फाइव होती हैं। पहली हमारे पास पांच बेसिक फोर्स ऑफ नेचर होती हैं। पहली जो बेसिक फोर्स ऑफ नेचर होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द लास्ट वन इज द स्ट्रांग फोर्स। ये हमारे पास बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर होती हैं। लेकिन हम कहते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं नेचर की, जो एक्चुअल हम लोग कहते हैं दैट इज द फंडामेंटल फोर्सेज, वो हमारे पास फोर होती हैं। ठीक हो गया। वो कैसे? कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, दरअसल इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन लोगों को कंबाइन किसने किया था? हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक फैराडे और दूसरा था मैक्सवेल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स होती है ये यूनिफाइंड होती है, मतलब कंबाइन होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाती है। वो कैसे उन्होंने डिफाइन किया था? जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास करंट इंड्यूस होता है एक कॉइल में से। जब उस क्वाइल में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही हो और वो क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट जो होता था वहां पर इंड्यूस होता था। तो इस प्रोसेस को उसने नाम दिया था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स का, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो दैट्स वाई जो फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं वो फोर होती हैं। तो हम उन फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स वर यूनिफाइंड टू गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय फैराडे एंड मैक्सवेल, हु वर एबल टू प्रूव द करंट इज इंड्यूस इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज चेंज। तो हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी हर एक जो बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है उसको डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारे पास बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ फोर्सेज के बारे में मैंने बताया, दे हैव फोर। कौन कौन सी? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम किस हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? जैसे कि बताया दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये करती क्या है? ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है और ये ऑल केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती है, तमाम ऑल केमिकल रिएक्शंस के कॉज बनती है। ठीक है। और ये और क्या करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? ये एटम्स को इकट्ठा करती है, मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करती है, क्रिस्टल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ट्रीज हो गई। ठीक है। इन तमाम चीजों को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। इसके अलावा ये जो फोर्स होती है ये एक्ट करती है माइक्रोस्कोपिक फोर्स में, जैसे कि हम कहते हैं सच एज फ्रिक्शन, कोहेसिव एंड एडिशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का काम ये लॉन्ग रेंज होती है, ये ऑल केमिकल रिएक्शंस की वजह बनती है एंड क्या था, और ये एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, ट्रीज को, क्रिस्टल्स को, बिल्डिंग्स को, तमाम चीजों को इकट्ठा करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इकट्ठा करती है। तो ये हमारे पास जो था दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स या बेसिक फोर्स ऑफ नेचर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड हमारे पास फंडामेंटल फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स? जाहिर सी बात है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो इसकी जो रेंज होगी दैट विल बी शॉर्ट, इसकी जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ब्रेकअप करने के लिए स्पॉन्टेनियसली। उसी वक्त वो फौरन क्या करना स्टार्ट कर देती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर देती है, तोड़ना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा ये रिपल्सिव फोर्स भी कहलाती है, बिकॉज ये शॉर्ट रेंज है तो इसकी जो ये क्या कहलाएगी, ये रिपल्शन करेगी, फोर्स को रिपल्स करेगी, रिपल्सिव करेगी, रिपल्शन का काम करेगी। एंड इसकी जो शॉर्ट रेंज होती है वो कितनी रेंज होती है? 10^-17 मीटर होती है। ये अगर स्ट्रांग हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर अलग होगी। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन साइड द न्यूक्लियस। ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो होती है इन साइड में, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग होती है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ये चीज डिस्कस हुई कि ये शॉर्ट रेंज होती है,
और ये रिस्पॉन्सिबल होती है, किसकी वजह बनती है, रेडिएक्टिव एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऑल्सो ये रिपल्सिव फोर्स होती है और इसकी जो रेंज होती है वो 10^-17 होती है, और ये स्ट्रांग कहाँ पर होती है, इन साइड द न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड बेसिक फोर्स ऑफ नेचर को, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल का मतलब तो हम लोग को मालूम है, ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी एग्जिस्ट करना, और हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ ज्यादा एक्ट करती है, अर्थ पर। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, अगर हम कहते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह ये लॉन्ग रेंज होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह ये लॉन्ग रेंज होती है, और ये स्टार्स और गैलेक्सी के बहुत ज्यादा दूर होती है, क्योंकि ये अर्थ के करीब होती है, लेकिन जो स्टार्स हैं और गैलेक्सी है वो हमारे उसके ये बहुत ज्यादा दूर होगी। रिमोट टेस्ट का मतलब ये है बहुत ज्यादा दूर होना। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर और सी जो है सरफेस को प्लैनेट में फिक्स करने के लिए, मतलब ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तो जमीन पर ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास समंदर है या एटमॉस्फेयर है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इज लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज अप टू बियॉन्ड द रिमोटेस्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी। इट कीप्स यू द एटमॉस्फेयर एंड द सी फिक्स टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो ये हमारा था नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो बेसिक फोर्स थी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे पास जो बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है वो हमारे पास कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, ये हमारे पास सारी होती। तो बेसिक फोर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड कॉमन कॉसेस ऑफ ऑल ऑफ दीज। हमने सब तमाम फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये थी, ये तमाम डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखती हैं और साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि इसकी वजूहात क्या थी, ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक फोर्स ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए और इनको डिस्कवर करने पर नोबेल प्राइज मिला 1979 में। किसको अवार्ड किया गया, ग्लेशो और वेंट्रिंग को और अब्दुल सलाम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको यूनिफिकेशन करने के लिए फिजिक्स पर नोबेल प्राइज मिला 1979 में। तो ये टॉपिक हमारा था बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिल्डिंग ब्लॉक। सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स होते क्या हैं? दरअसल ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिवाइड कर दिया जाता है किसी भी थ्री ग्रुप्स में। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको थ्री ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं वो तीन ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप होता है फोटॉन्स, दूसरा होता है लेप्टॉन्स एंड द लास्ट वन इज हेड्रॉन्स। इन तीनों ग्रुप्स को डिवाइड, जो तीन ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया है, दरअसल हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, ये तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स पर एग्जिस्ट करते हैं, वजह क्या थी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर बेस करती है। जैसे कि फोटॉन्स और लेप्टॉन, ये तमाम के तमाम कंप्लीटली एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो हेड्रॉन्स होता है ये नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, लेकिन इसको कंपोज कर दिया जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल में, जिसको नाम दे दिया जाता है क्यूरिक। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हम कहते हैं ये जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हैं, दरअसल ये बेसिक हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। हमारे पास जो तीन ग्रुप्स हैं, इनमें से जो दो ग्रुप हैं, मतलब फोटॉन्स और लेप्टॉन, ये कम्प्लीटली एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो हेड्रॉन होता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता, बल्कि इसको हम लोग कंपोज कर देते हैं, इसको बना देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। और जब हम इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कंपोज करते हैं तो ये हेड्रॉन किस क्या नाम कहलाता है, क्यूरिक्स कहलाता है। साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि तमाम मैटर्स जो होते हैं और जो बिलोंग करते हैं तमाम क्यूरिक ग्रुप्स पर और लेप्टॉन ग्रुप पर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, मैटर करते हैं या उन पर डिपेंड करते हैं। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जिसको एक्सप्लेन करेंगे वो है हेड्रॉन्स। अब जैसे कि बताया कि हेड्रॉन्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते, बट इनको हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको हम क्यूरिक्स का नाम देते हैं। जो हेड्रॉन्स होते हैं ये ऐसा पार्टिकल है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज रखेंगे उनको हम हेड्रॉन्स कहेंगे, और हेड्रॉन्स दरअसल कम्बिनेशन होता है, ये हम कहते हैं प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और बीजोन्स हो गया,
इन तमाम को जब ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, हेड्रॉन्स बनता है। तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड मीजोन्स मेड बाय हेड्रॉन्स, तो इससे क्या बनता है, हेड्रॉन्स बनते हैं। द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड हेड्रॉन्स, इन एडिशन टू प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड मीजोन्स आर हेड्रॉन्स। ठीक हो गया। उसके बाद हेड्रॉन्स के नेक्स्ट टू हमारे पास पार्ट्स हैं, पहला जो है वो है बेरियॉन्स और सेकेंड अभी हमने डिस्कस किया वो है मीजोन्स। तो हम एक्सप्लेन करेंगे बेरियॉन्स को। दरअसल ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है और ये हेड्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि इनका जो मास होगा वो इक्वल होना चाहिए प्रोटॉन्स के, या फिर इनका मास उससे ग्रेटर देन होगा प्रोटॉन्स से, तो ये क्या होंगे, ये बेरियॉन्स कहलाएंगे। द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड हैविंग मास इक्वल टू और ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बेरियॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे मीजोन्स को। मीजोन्स क्या होते हैं, ये भी एक हेड्रॉन पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखते हैं और इनका जो मास होगा वो लाइटर देन होना चाहिए प्रोटॉन से, तो ये क्या कहलाएंगे, मीजोन्स कहलाएंगे। तो हमारे पास जो बेरियॉन थे उनका मास इक्वल हो या ग्रेटर देन हो प्रोटॉन से तो वो बेरियॉन्स होते हैं, और मीजोन जो होता है इनका मास लाइटर देन हो प्रोटॉन से तो ये मीजोन्स कहलाते हैं। द पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड हैविंग मास लाइटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड मीजोन्स। नेक्स्ट हेड्रॉन्स को एक्सप्लेन करने के बाद हम लेप्टॉन्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब लेप्टॉन्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर एक्सपीरियंस नहीं करते, ये इनकी जो फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती। ठीक हो गया, ये लेप्टॉन्स कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, म्यूऑन्स हो गए एंड न्यूट्रेनियस हो गए, ये तमाम क्या कहलाते हैं, ये तमाम लेप्टॉन्स कहलाते हैं। हेड्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रखता है, लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर एक्सपीरियंस नहीं करता, तो ये क्या कहलाएंगे, लेप्टॉन कहलाएंगे। फिर हम नेक्स्ट मजीद एक्सप्लेन करेंगे क्विक्स को, क्वार्क्स भी बोल सकते हैं इसको, क्विक्स भी बोल सकते हैं। ये क्या था, अभी हमने बताया था कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल हमने बनाया था उसको क्विक्स का नाम दिया था। ये किसने डिस्कवर किया था, इसकी थ्योरी एम जेल मनान एंड जी ज्विक ने एक्सप्लेन की थी। इसने क्या कहा था, क्विक्स जो होते हैं वो दरअसल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मीजोन्स होते हैं और बेरियॉन्स होते हैं। जो क्वार्क्स है या क्विक्स है इनका एंटी क्विक्स भी होते हैं, जिसे जो कौन बनाते हैं, बेरियॉन्स बनाते हैं। दरअसल जो क्वार्क्स या क्विक्स जो है ये सिक्स क्विक्स होते हैं, एक वन नंबर वन अप क्विक्स, नंबर टू डाउन क्वार्क्स, नंबर थ्री स्ट्रेंज क्वार्क्स, नंबर फोर बॉटम क्विक्स, नंबर फाइव चार्म क्विक्स एंड द लास्ट वन इज टॉप क्विक्स। तो ये तमाम छह के छह जो है वो ये हमारे पास होते हैं क्विक्स होते हैं, और इनके एंटी क्विक्स भी होते हैं। तो हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल के साथ। जैसे कि हम कहते हैं अगर चार्ज ऑन दीज क्विक्स, अगर चार्ज का क्विक्स के जरिए एक्सप्लेन करें तो किस तरह से होंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रोटॉन चार्ज है, ये कितने क्विक्स पर बना होता है, इस पर टू अप क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क्स होते हैं, मतलब टू अप और वन डाउन क्वार्क्स से मिलकर बनता है एक प्रोटॉन चार्ज। अब कौन से होते हैं, अप की जो वैल्यू होती है वो 2/3 होती है, जबकि डाउन की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। अप पे पॉजिटिव होगा और डाउन अगर होंगे तो वो नेगेटिव करेंगे। तो अगर टू अप और वन डाउन है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, टू अप्स हैं तो 2/3 पहले अप क्वार्क्स की वैल्यू, फिर प्लस 2/3 दूसरे अप क्वार्क्स की वैल्यू, फिर माइनस वन डाउन है तो उसकी वैल्यू 1/3। जब इन्हें हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वन आएगा, मतलब एक प्रोटॉन जो है वो टू अप और वन डाउन पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चार्ज ले लें, दैट इज न्यूट्रॉन, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन हैव अ न्यूट्रल, तो ये कितने क्विक्स पर मुश्तमिल होता है, वन क्वार्क्स हमारे पास अप होता है और टू डाउन क्वार्क्स होते हैं। तो इसे एक्सप्लेन करें तो वन अप 2/3, टू डाउन तो -1/3 और -1/3। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये क्वार्क्स के हिसाब से हमने चार्ज को एक्सप्लेन किया। अब हंड्रेड ऑफ इयर्स पहले हेड्रॉन जो था वो कंसिस्ट करता था सिक्स क्वार्क्स पर, और उसने एंटी क्वार्क्स भी बनाए 100 ईयर्स पहले।
जो कॉज होता है कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन एग्जिस्टेंस बट वेरीफाई इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमारे पास था कॉज का या क्यूरिक्स का। हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किया बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर को और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स को। थैंक यू।